हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और मैं रेखा अग्रवाल। तो गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस आज फिर हम बनाने जा रहे हैं एक नई रेसिपी। और ये रेसिपी क्या है इसे देखने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि आज हम क्या बनाएंगे, क्या है वो नई रेसिपी। ओके गाइस, देखिए गाइज इतने सारे खरबूजे लिए थे और सब के सब फीके निकले आए हैं, क्योंकि जहाँ से हम खरबूजे लेते हैं एक ही वैरायटी के, अगर या तो मीठे निकलेंगे सारे या फिर फीके निकलते हैं। लगभग कोई एक आधा खरबूजा हुआ मीठा निकल गया। मीठे खरबूजे की पहचान है, जब हम इसको नाक से सूंघेंगे तो थोड़ा उसमें खुशबू आती है तो, और थोड़ा हल्का सा नरम लें। तो गाइज ये किसी ने ला कर दिए थे खरबूजे और फीके निकल गए हैं। आज मैं आपको इनको मीठा करने का एक बहुत बढ़िया तरीका बताऊंगी। इसके लिए सबसे पहले हम सारे खरबूजों को छील कर और काट लेंगे। काटने के लिए इसको हम बिल्कुल बारीक बारीक काटेंगे, थोड़ा पतला पतला इसको काटेंगे, बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में। ये देखिएगा इस तरह से जैसे मैं काट रही हूँ, सारे खरबूजे फीके निकल आए। और इसको फेंकने में थोड़ा कष्ट हो रहा था, क्योंकि देखिए इतना पैसा लगता हमारा फ्रूट ख़रीदते हैं तो मैंने सोचा क्यों ना इसको मैं आपको मीठा करके दिखा देती हूँ किस तरह से हम एक फीके तरबूजे को मीठा करके खा सकते हैं। तरबूजे नहीं, मतलब खरबूजे को। तो इसी तरह से सारा पहले बारीक काट लेंगे हम। ओके गाइस, सारे खरबूजे मैंने छील लिए हैं और इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिया है। तो अब क्या करेंगे, खरबूजा अगर नरम है तो ठीक है, वरना इस मैशर से हम थोड़ा सा इसको मैश कर लेंगे हल्का हल्का रफली। ये देखिए इस तरह से, आप चाहें तो एक सेकंड के लिए इसको मिक्सी में भी घुमा सकते हैं। ओके गाइस, ये देखिए सारा खरबूजा मैंने मैश कर लिया है और ये देखिए इसने जूस छोड़ दिया खरबूजे ने। अब इसको हम एक बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे, इसी से कर लूँगी मैं। आधा किलो पल्प में हम 150 ग्राम चीनी डालेंगे और इसको चम्मच की हेल्प से मिक्स करेंगे। तो गाइज इसने पानी बिल्कुल भी नहीं डालेगा, क्योंकि खरबूजे के ऊपर कभी भी पानी नहीं पीते हैं। तरबूज और खरबूजे पर कभी पानी नहीं पीते हैं, हैजा होने का डर होता है और 90% हैजा होने के चांस होते हैं। इसको मैं 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी, उसके बाद हम इसको फ्रिज में रखेंगे। ये ढक्कन छोटा है, 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रखेंगे इसको। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी इसने कितना रस छोड़ दिया और ये कैसा हो गया है। ये देखिए गाइस 10 मिनट हो गए हैं, मैंने इसको 10 मिनट तक रेस्ट करने के लिए छोड़ा था और ये देखिए अच्छी तरह से सारा इसमें रस आ गया है चीनी का, और खरबूजे ने रस छोड़ दिया है। बिल्कुल चीनी मेल्ट हो चुकी है, ज़रा सी भी चीनी इसमें बची नहीं है। अब क्या करेंगे, इसको हम फ्रिज में रख देंगे, 15 से 20 मिनट तक फ्रिज में रखेंगे ताकि अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। ये देखिए गाइस फ्रिज में रखे हुए 20 मिनट हो गए हैं और अच्छी तरह से ठंडा हो गया तरबूज, अच्छी तरह से ठंडा हो गया खरबूजा, और अब ये बिल्कुल खाने के लिए तैयार है। थोड़ी सी चेरी से सजाऊंगी मैं इसको, आप चाहें तो इसको वैसे भी खा सकते हैं और आप चाहें तो चेरी से सजा सकते हैं। ठंडा ठंडा खरबूजा, बिल्कुल फेंकने वाला फीका खरबूजा मैंने इसको फिर से खाने के लिए तैयार कर दिया है। इसी तरह से आप भी घर पर अगर खरबूजा फीका निकलता है तो इसी तरह से बनाकर उसका रीयूज कर सकते हैं। इतने महंगे फ्रूट आते हैं गाइज, और अब इस टाइम तो मार्केट में सब्जियां फ्रूट मिल भी नहीं रहे हैं, तो उसको ख़राब ना करें, फेंके नहीं, और इस तरह से आप उसका यूज कर सकते हैं। तो गाइज़ बनाइए आप भी इसी तरह से, और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना।